विश्व अस्थमा दिवस पर एसएन मेडिकल कॉलेज के क्षय एवं वक्ष रोग विभाग सभागार में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष सिंह ने मरीजों को अस्थमा एवं दमा रोग के उपचार एवं बचाव की जानकारी दी। हॉस्पिटल के अंदर एक निःशुल्क कैंप किया है, एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया है और जो अस्थमा को डायग्नोसिस बनाने के लिए जो जाँच है, जैसे कि स्पायरोमेट्री कहते हैं, स्पायरोमेट्री कैंप भी हमने यहाँ पर रखा है, जिसमें कि जो सस्पेक्ट पेशेंट्स हैं जो अस्थमा जिन्हें हो सकता संभावित, उनकी स्पायरोमेट्री करेंगे जिससे कि कन्फर्म कर सकते पड़ता है। आंधी की वजह से, तेज हवाओं की वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका कंसनट्रेशन इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, और चूँकि अस्थमा के एग्जर्वेशंस का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो पोलन ग्रेन्स है, 70% मामलों में पोलन ग्रेन्स पोलन एलर्जी की वजह से होता है। 600 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था जिसमें आज सुबह से ये चीज़ निकल के आ रही है हम आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपसे हमेशा हमारा लगाव भी रहा है और आप हमेशा एक पेशेंट एजुकेशन के लिए हमेशा आप अग्रणी रहे हो इस क्षेत्र में। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज भी हमारे 70% पेशेंट को जानकारी नहीं है कि अस्थमा क्या होता है। ये हम लोग की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मरीज को जानकारी दें। इस जन जागरूकता कार्यशाला को मरीजों और उनके परिजनों ने खासा पसंद किया। इस दौरान मरीजों ने चिकित्सकों से दमा और अस्थमा रोग के बारे में व्याप्त कई भ्रांतियों पर कई प्रश्न किए। इनका चिकित्सकों ने बखूबी जवाब दिया। अजय बहादुर, सी न्यूज, आगरा।